भुरकुल गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में मारपीट हो गया, जिसमें 7 लोग जख्मी हो गए। यह घटना रविवार की है, जो कि हिलसा थाना क्षेत्र के 12 पंचायत के अंतर्गत भुरकुल गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच में कसकर मारपीट हुआ, जिसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं। एक पक्ष की ओर से 5 लोग तो वहीं दूसरे पक्ष की ओर से 2 लोग जख्मी हैं। एक पक्ष की ओर से खेमन लाल गोप के 85 वर्षीय पुत्र राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद के 45 वर्षीय पुत्र अनुग्रह नारायण, अनुग्रह नारायण के 40 वर्षीय पत्नी सरोजा देवी, अनुग्रह नारायण के 21 वर्षीय पुत्री सिंपी कुमारी एवं 13 वर्षीय पुत्री अनुप्रिया कुमारी है। वही दूसरे पक्ष की ओर से अरविंद कुमार के पुत्र उदय कुमार और उदय कुमार के पुत्र अमित कुमार जख्मी है। सभी लोग को इलाज के लिए हिलसा का मंडलीय अस्पताल में लाया गया है। इस घटना की सूचना हिलसा पुलिस को दे दी गई है। नाम है सर? अनुग्रह नारायण। अनुग्रह नारायण जी। घर किस बात के लेकर मारपीट की गई है? जमीन के रास्ता के लिए। जमीन का विवाद है? हाँ, घर भी रास्ता के लिए, रास्ता विरोध है। इसके लिए मैं आवेदन भी दिया था थाना से, अखिल में जनता दरबार में भी, तो कहे थे कि कोर्ट का मैटर है, तो हम यही माना किया जाके कहे कि कहला आदि बांधा तो उसी के लिए मारपीट हुआ। हाँ, बांधा तोड़ी करते तो मान लिया। इतने में उसका बेटा आया, 8-10 को घर लेके। अब नाम है? हाँ, सरोज देवी नाम हो। घर? घर भोरकुल हो। सरोजा देवी भोरकुल। जमीन का विवाद है ना? हाँ हाँ सर, डेढ़ 2 बीघा जमीन बेमानी कर लो को, बुढ़ाओ से 3 हिस्सा खेत घर लिखा ले को, अब हमारा जगह ले लो।